भागलपुर जिले के जहानवी चौक टीओपी थाना के समीप देर रात्रि दो दुकानों में अचानक आग धुधू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि रात्रि करीब 11:30 बजे दुकानदार नीरज कुमार मंडल और दुकानदार बेचन मंडल ने दुकान बंद कर घर चले गए थे। लोगों के द्वारा सूचना मिली कि उनके दुकान में आग लग गई। पहुँच कर देखा तो सारा सामान, जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक और राशन का दुकान था, दो बड़े फ्रिज थे, वह भी जल चुका था। काफ़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस अगलगी की घटना में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा के नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। वहीं मौके पर प्रवक्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगने की संभावना नजर आ रही है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।